सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 29 सितंबर और अभी मैं हूँ डम्बो विलेज, जो कि एक हैमर विलेज है और ये ओइटा भी इसी विलेज का है। तो बस ये बताना लग रहा है यहाँ का इतिहास, कल्चर। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो, गेट सामने दिख रहा है आपको, कितना छोटा सा गेट है। इसके भी इनके अपने कई रीज़न है, कल्चर भी है इनका, बंदा झुक के आता है, जंगली जानवर नहीं आते अंदर। तो टाइम है तकरीबन सुबह के 5 और बस अब हम अंदर जाने लग रहे हैं इस छोटे से गेट से होते हुए अंदर। पूरा हैमर विलेज है, तो चलिए देखते हैं। अब अंदर क्या रिवाज है ना कि यहाँ जब भी कोई लड़की शादी करके आती है तो हर इस झोंपड़ी के अंदर एक सेकेंड फ्लोर बना होता है, जहाँ पे उसको रखा जाता है 6 महीने के लिए। और वो कपड़े वगैरह नहीं पहनती, अगर ठंड है तो वो काउ की स्किन जरूर लपेट सकती है। और घर की जो भी बड़ी औरत होगी तो वो टाइम टू टाइम जाकर उसको खाना खिला कहती है और उसके बॉडी पे मर्ड एसेंस ऑयल का लिप लगाती है। तो ये टोटल जो प्रोग्राम है चलता 6 महीने, और इस 6 महीने के अंदर हस्बैंड वाइफ का मिलन नहीं होता है। और जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो सामने जो छोटी सी झोंपड़ी दिख रही है, तो बस झोंपड़ी में उनको अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे भी क्या है ना, अगर आप आते हो तो आपको 200 बीट से लेकर 400 बीट तक का देना पड़ सकता है। ये देना ही पड़ा ही आपको, क्योंकि कैसे उनकी मिले भगत है। एक कैमरा 200 बीट, दो कैमरा 400 बीट में, तो बोला भाई एक कैमरा कर लूँगा मैं, तो बोला कोई बात नहीं, आप स्पेशल फ्रेंड हो, ये है वो, ठीक है 200 बीट में ही माना है, पैसा हर जगह लगता है यार। नमस्ते। बस अब एक झोपड़ी से अब दूसरे झोपड़ी में जाने लग रहे हैं। ये पूरे छोटा सा एक हैमर विलेज है। तो देखिए, टाइम हुआ तकरीबन सुबह के 5:30 और अब हम पीने जा रहे हैं कॉफ़ी। हैमर विलेज में भी क्या है कि सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का रिवाज है और यहाँ कॉफ़ी बहुत फेमस है। तो चलो यार, यहाँ आए कॉफ़ी ना पिए। This is also hammer. Yes. Oh, very small. Yeah. Very small gate. Yeah. Oh. Very really small. अभी आए हम दूसरी झोपड़ी के अंदर। यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। सरगम और कुछ ये हरे पत्ते से हैं, तो ये कुछ साफ करके कुछ बनाएंगी। सरगम यहाँ जो ट्रैवल का जो मेन डाइट है, सभी लोग यहाँ मुझसे सरगम ही खाते हैं। और ये हरे पत्ते और कुछ मिला के पता नहीं क्या बनाते हैं, हमें तो देख के भी नहीं यार मतलब खाया जा सकता, लेकिन ये लोग खाते हैं।
आज है 29 सितंबर, टाइम सुबह के 5:30। हम लोग उठ चुके हैं। एक्चुअली ये गांव वाले क्या बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो यहाँ पे एक जो कॉफ़ी सर्मनी होती है इसके लिए जल्दी उठना पड़ता है। रात को नींद हुई नहीं पूरी, टेंट में इतनी लग रही थी भयंकर गर्मी, पर टेंट से बाहर निकल कर सोच लगी ठंड। और रात भर मच्छरों ने खूब पार्टी मनाई, जैसे जैसे नींद आई तो सुबह उठे हैं जल्दी और जा रहे हैं इस विलेज में देखने के लिए कॉफ़ी वगैरह जैसे ये लोग पीते हैं लोकल यहाँ की। फिर आ जाना है कारो, और कारो के बाद वापस फिर हम लोग यहीं पे हूँ तुरमी में। लेकिन आज बोल दिया मैं क्या होटल में स्टे करेंगे, यहाँ करने की हिम्मत नहीं है। तंबू में हालांकि मैं काफ़ी रुका हूँ, जितने ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तंबू में रुकते हैं, लेकिन यहाँ के तंबू की तो बात ही अलग है यार। और रात भर जो पास में बकरी और ये भेड़े थी ऐसी रो रही थी ना पूछो मत यार, जैसे आदमी रोता है ना बीमार आदमी, वैसे रात भर रो रही थी। बड़ी मुश्किल से नींद आई। खैर ठीक है, अब घूमना है तो चीज़ें होती हैं। चलो किसी भी घर में घुस जाओ, घुस के बैठ जाओ, कुछ बेचारा पिला देते हैं। लेकिन ये एक ही जरूर प्रॉब्लम है ना, लोगों का इंटरफेस बहुत बढ़ गया इनकी लाइफ में। अब यार हमारे घर में कोई भी सुबह से उठ के आके बैठ जाए तो थोड़ा सा कैसा लगेगा, हालांकि लोग बोलते नहीं होंगे लेकिन फील तो होता ही होगा ना। अब ये सीधा जो ओरियो है अंदर जाके बैठ गया सीधा, ना पूछो ना कुछ करना, तो टूरिस्ट का इंटरफेस देखो बढ़ा ही है इनके लाइफ में। यही चीज़ मुझसे लोग अवॉइड नहीं कर पाते, उनको अपनी लाइफ ज़्यादा पसंद है तो वो लोग मार देते हैं, इसीलिए मुर्सी बदनाम है। बाकी कहते हैं कि बहुत ट्राइब अच्छी है, पीसफुल है, हाँ, लेकिन कई बार अग्रेसिव हो जाती हैं। तो चलो चलते हैं अंदर, अपन भी घुस जाते हैं। अब तो ये लोग सब देखो बच्चे सुबह सुबह कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्रश वर्श का कोई पता नहीं है। ये देखो कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी बोलते हैं एक्चुअली कॉफ़ी नहीं है, कुछ हर्बल काढ़ा बोलते हैं जिसको अपन, हर्बल काढ़ा जैसा है कुछ। और ये पम्पकिन को काट कर 21-22 दिन सुखाते हैं और उसे एज ए पॉट ये लोग यूज़ करते हैं। और इस यही पॉट यहाँ पूरे घर में घूमता है, कोई धोने वाने का चक्कर नहीं है। आप आए आपको इसी में पिला दिया, दूसरा आया दूसरों को इसी में पिला दिया, तो बस ऐसा है सीन इनका। तो चलो अब कॉफ़ी पी लेते हैं भाई जब आ गई है। There is second floor, this up. It's mine. Anja. You're nervous. Yeah, okay. Coffee, Billy? Yes. समझ में आई नहीं, पी ली भाई, चक्के मना नहीं कर सकते। अब जा रहे हैं आगे गांव देखने के लिए, लोग बेचारे बहुत सीधे हैं यहाँ के, बड़ा वेलकम कर। कॉफी 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 या कॉफी मेड फ्रॉम द शेयर ऑफ कॉफी, शेयर ऑफ कॉफी। एवरी मॉर्निंग हमर पीपल ड्रिंक दिस कॉफी, कॉफी
ये पानी ऐसे भंडे साफ करने के लिए और कुछ नहीं पहुंचा अरे गुड़ ले गुड़ ले सिंगल शॉट दे आर स्ट्रांग अब अंचे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रांग या मोस्ट ऑफ देम दे हैव यू हैव बॉडीगार्ड टू तो भाई हमने वो जगह छोड़ दी क्योंकि वहां रात को रुकना बहुत मुश्किल था। आज भी हमारा स्टे यहीं है तो बोला मैं यार होटल रुकूंगा। होटल है होटल ग्रीन जहां मैंने कल स्पेगेटी खाई थी तो अब यहीं रुकेंगे। उधर रुकना बहुत मुश्किल है, रात को भी बड़ी प्रॉब्लम थी तो बाहर रुकेंगे। आज तीसरे दिन जब पूरे उम्मे वैली में फॉरनर्स दिखे हैं, टूरिस्ट यहाँ कोई भी नहीं है, मैं आज दिखाया हूँ टूरिस्ट। ये पूरा ग्रीन होटल, ये होटल ग्रीन 101। तो आज का विश्राम हम यहाँ करेंगे, छोटा रूम लेकिन ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सेफ तो है ना। ये देखिए यहाँ रूम में लाइटें पता नहीं कम क्यों रखते हैं, ये छोटा सा साला 0 वाट का बल्ब लगा देते हैं, इसमें क्या देखे आदमी क्या कुछ करे। क्लीन तो कम से कम ठीक ठाक है। चलो तैयार होते हैं। बाद में यार और यहाँ कुछ समझ में आया नहीं खाने को, तो बस अभी क्या है क्या फ्राइड राइस टाइप में है, राइस विद वेगी, ये खा के काम चला रहा हूँ। ना दे रायता है साथ में, ना कर्ड है, कुछ भी नहीं है, बस ये डाल दिया। चलो लेकिन वेज मिल गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आओ लेट्स एंजॉय।